हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो जो आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो है, बिकॉज आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस लाइव रिजल्ट शेयर करने जा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है पहले हम देखते हैं। दिस स्वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर, इसमें हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग एंड क्रिम्पल। हमें तीनों चीज़ें एक प्रोडक्ट में मिल जाती हैं, तो हमें तीन चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने ये मंगाया है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये हमें कुछ ये हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है, इस तरह की फॉलो के अंदर हमें रिसीव हुआ है। लेकिन ये जब मुझे अमेजोन के बॉक्स में मिला था तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में था, ताकि मतलब ये डिस्ट्रॉय या फिर ऐसे टूटने का कोई ऐसे डर नहीं था, तो उस टाइम में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में था। अभी हमें इस पॉली के अंदर और इसमें हमें दो पेपर्स से मिला, एक पेपर ये मिला हुआ है जिसमें हमें इसको यूज़ करने की शायद मैनुअल है, ये इसका इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए। ये आप चाहें तो जब आप इसे अगर आप इसे खरीदते तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं इसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी वायर है और इसका कॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, 360 रोटेशनल है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ऑन ऑफ का स्विच हमें दिया हुआ है विद एलईडी इंडक्टर, और ये शायद है हमारा ऑन ऑफ बटन। ये इसको करेंगे, एक पुश करेंगे तो आपको स्ट्रेटनर खुल जाएगा, सेकंड पुश करेंगे तो आपका क्रिम्पल खुल जाएगा, और जो कर्लर है वो तो ये है। जब अगर आप दोनों बंद करना चाहते हैं तो आपको इसको इस तरह से मिडिल में लेके आना है, दोनों साइड। इस देखिए, इस साइड का थोड़ा सा पार्ट इस साइड एंड थोड़ा सा पार्ट इस साइड पे आना चाहिए। देखिए, दिख रहा होगा आपको। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए इसका ड्राई स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी क्रिम्पिंग, सबसे पहले हम क्रिम्पिंग यूज़ करेंगे। तो क्रिम्पिंग तो हम इजीली इन हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी क्रिम्पिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको स्कैल्प पे थोड़ा नीचे ही क्रिम्पिंग स्टार्ट करनी, ताकि आपका स्कैल्प जले ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था, तो किसी किसी जगह में वॉइस बहुत हल्की आ रही है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि आप लोग कुछ भी हेयर का जो स्टाइलर जो भी होते हैं उन्हें यूज़ करने से पहले अपने हेयर्स पे कोई भी हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे या सीरम अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी हो तो आप डेफिनेटली अपने हेयर्स पे अप्लाई ज़रूर करिएगा, आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्मूथनिंग ऑफ क्रिम्पिंग कितनी अच्छी आई है और हेयर्स काफ़ी शाइनिंग भी लग रहे हैं, एक ऐसे डैमेज नहीं नज़र आ रहे हैं, तो अच्छे रहे हैं ये क्रिम्पिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कर्लिंग। तो उसके लिए हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हेयर्स का। नाउ हमारी कर्लिंग स्टार्ट हो गई है, हमें अपने एक छोटा सा पोर्शन की कर्लिंग स्टार्ट कर देनी है। और आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ये आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ना मेरे नीचे के जो हेयर्स हैं वो थोड़े से पतले हैं, तो मुझे नीचे के हेयर्स को थोड़ा फोल्ड करने में दिक्कत भी हो रही थी। एंड इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो आगे की ग्रिप है पकड़ने की, वो आप पकड़ के ईजिली कर सकते हो, उससे आपका हाथ जलेगा नहीं, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। ये देखिए आप, बिल्कुल यही वाला, ये बहुत प्लस पॉइंट है इसमें, ताकि आपका हाथ ना जले, इन्होंने ये अच्छा दे रखा है। बाकी ठीक है, एवरेज है अभी तक, तो ठीक है, आप देखते हैं आगे। ये हमें हल्का कर्ल ही दे रहा है, हमें प्रॉपर कर्ल इससे नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये हमें हल्का सा ही कर्ल दे पा रहा है, एक प्रॉपर कर्ल, ये एक प्रॉपर कर्ल नहीं दे पा रहा है, सिर्फ हल्का सा कर्ल दे रहा है। एंड अब हम एक पोर्शन में और ट्राई करके देखते हैं, थोड़े कम हेयर्स लेंगे हम। अभी मैंने अपने एक पोर्शन में कर्लिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपने देखा मेरे नीचे के हेयर काफ़ी अच्छे से कर्ल हुए हैं, बट जो मेरे ऊपर के हेयर्स हैं वो प्रॉपरली कर्ल नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी को सिंगल सिंगल लेयर वाला कर्ल चाहिए जो नीचे नीचे हाफ बालों में कर्ल होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर किसी को फ्लफी वाला कर्ल चाहिए जो ऊपर से नीचे तक पूरा होता है, उसके लिए शायद उतना यूज़फुल नहीं रहेगा ये हेयर स्टाइलर।
और क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर के हेयर पे भी ट्राई करके देखा था, उसके हेयर बिल्कुल नेचुरल है और बहुत स्मूद हैं, बहुत शाइनी है। मैं आपके हेयर उसके हेयर्स आपको कभी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हेयर्स तो आर्टिफिशियली समझ रहे हो कि मैंने स्मूदनिंग करवाई है, तो उसके हेयर पे भी ये कर्लर उतना यूज़फुल नहीं आ रहा था। उसके तो बहुत ही मेरे से भी कम कर्ल हुए थे हेयर्स, बाकी उसका क्रिम्पल अच्छा हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये सिर्फ हल्के कर्ल के लिए ही यूज़फुल रहेगा, अगर आपको प्रॉपर कर्ल चाहिए तो उसके लिए यूज़फुल शायद नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें नीचे के हेयर्स तो काफ़ी अच्छे कर्ल के हैं, बट ये अपर हेयर्स को उतना प्रॉपरली कर्ल नहीं कर पा रहा है, देख सकते हैं। तो ये तो थी कर्लिंग। तो हमारे इस साइड हो गई है क्रिम्पल एंड इस साइड हो गया हमारा कर्लर, एंड देन हमारा थर्ड बचता है स्ट्रेटनिंग, तो वो भी हम ट्राई करते हैं। अब हमने स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने कर्ल वाले हेयर पीस स्ट्रेट करी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के हेयर्स नेचुरल हल्के फुल्के स्ट्रेट हों, किसी के हेयर कर्ल भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी पता चलना चाहिए। इसलिए मैं अपने कर्ल वाले हेयर पर ही स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और बाकी रही बात कर्लिंग की, तो आपने देख ही लिया है कि मेरे हेयर्स पे उतना अच्छा कर्ल नहीं आ रहा है, पर क्रीम पर अच्छा आ रहा है। पता नहीं कर्लर मेरे हेयर्स पे अच्छा नहीं आ रहा है या फिर किसी के हेयर्स पे भी नहीं आएगा, इतना मैं नहीं बता सकती हूँ। बाकी आप स्ट्रेटनिंग देख रहे हैं, मैंने 2 times कराया तो ठीक ठाक स्ट्रेट हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे स्ट्रेट हो रहे हैं इससे बार, क्योंकि मैंने ये वाले जो स्ट्रेटनर है अपनी सिस्टर के हेयर, क्योंकि उसके हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है तो इतना उसके बारे में मुझे पता नहीं चल पाया, इसलिए मैंने अपने हेयर्स में तो करा ही करा लाइफ में आपको दिखाया, लेकिन मैंने उसके हेयर्स में भी ट्राई करे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से तो अच्छा स्ट्रेट दे रहा है, जो जहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा कर्ल आया था, नीचे वाले जो साइड में कर्ल आया था, वहाँ पे ये हल्का सा अभी भी रह जा रहा है कर्लर। देखिए भाई, मैंने अपने कर्ल करे हुए हेयर पे स्ट्रेटनिंग करी, तो इसने मुझे ऊपर की साइड तो प्रॉपर स्ट्रेट दिए, बट नीचे की साइड ये हल्के से अभी भी रह गए हैं। जस्ट ट्राई, देखिए गाइस ये है इसकी स्ट्रेटनिंग। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया इसके नीचे के हेयर्स को स्ट्रेट करना, बट ये नहीं हो पा रहा है स्ट्रेट बिकॉज ऑफ कर्ल आई थिंक, बट वैसे अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो आप उन्हें शायद स्ट्रेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो गाइस हमारी क्रिम्पल स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग तीनों हो चुकी है। इसका क्रिम्पल वाला पार्ट तो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छे से हो जा रहा है, बट जो इसका कर्लर है वो मेरे नीचे के हेयर्स में तो ईजिली हो जा रहा है, बट मेरे ऊपर के हेयर्स में नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कर्लर के लिए आउट ऑफ 10 7 दूंगी, एंड क्रिम्पल के लिए आउट ऑफ 10 8, एंड स्ट्रेटनिंग के लिए आउट ऑफ 10 7, बिकॉज स्ट्रेटनिंग भी अगर हमारे हेयर्स हल्के से कर्ल हैं तो हमें काफ़ी बार स्ट्रेट करने पड़ रहे हैं हेयर्स। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, और इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपने देख लिया लाइफ रिजल्ट, तो आप लोग के हेयर्स जस्ट के अकॉर्डिंग है, आपके हेयर कैसे हैं ये आपको पता होगा, तो आप अपने अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइज। देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।